आई होप यू आर डूइंग वेल। तो वर्डप्रेस के अंदर समटाइम ऐसा होता है, हम कोई पोस्ट या पेज पब्लिश कर रहे होते हैं या फिर मीडिया के अंदर कोई इमेज अपलोड कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ इस तरह का एरर देखने को मिलता है। तो इस एरर की काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं, जिनके अंदर से कुछ मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हुई हैं, जिनके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो वेबसाइट URL है, वेबसाइट का परमा लिंक है, SSL, HTTPS, इस तरह के कुछ ऑप्शन हैं। वेबसाइट URL से क्या मुराद है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ वापस और मैं सेटिंग्स के अंदर जनरल के अंदर जाके जो मेरी वेबसाइट का मेन URL है, वो जो कि ये URL है, ये सम टाइम गलत तरीके से लिखा होता है। मतलब URL यहाँ पे आपका डोमेन का URL और होता है, लेकिन वहाँ पे आपने राइट और तरह से किया होता है, या फिर आपने कोई स्पेल मिस्टेक की होती है उसके अंदर। तो उसको एक बार हम ज़रा जाके WP Admin में देखते हैं कि हमारा URL क्या है। तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आता हूँ एंड देयर हेयर यू कैन सी मेरा जो URL है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन हो सकता है वो हम जाएंगे रीडिंग सेटिंग्स के अंदर, सॉरी रीडिंग्स के बजाय हम जाएंगे परमा लिंक सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे हमें अपना जो परमा लिंक का स्ट्रक्चर है उसको सही से मैनेज करना है, जो कि यूजुअली जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो पोस्ट नेम है, राइट। तो हम ज़रा इस परमा लिंक को सेटअप कर देते हैं पोस्ट नेम के ऊपर, और यहाँ पे मैं इसको पोस्ट नेम पे सेटअप करके सेव कर देता हूँ। ये दो इश्यूज़ हमने देखे। उसके बाद SSL का मोस्ट कॉमन इशू है। अब यहाँ पे देखें, इस वेबसाइट के साथ SSL नहीं इंटीग्रेट, तो URL में कन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो आपका वेबसाइट पे जब URL होगा तो दैट वुड बी गुड, तब आपको आलमोस्ट ये ऑप्शन, ये एरर देखने को नहीं मिलता। अब इसको डील किस तरह से करना है, बिफोर दैट मैं आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन बता दूँ, जो कि HTTPS है, जो कि हम cPanel से जाके उसको मैनेज करते हैं, और उसके अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनको रिमूव करके अपनी HTTPS फाइल को रिप्लेस करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये हम लाइव प्रैक्टिकल किस तरह से कर सकते हैं, तो कमेंट बिलो करें, मैं आपको ज़रूर इसके बारे में लाइव प्रैक्टिकल एक वीडियो बना दूंगा। बट राइट नाउ यहाँ पे हम दोबारा आ जाते हैं पेजेस के अंदर, और अब मैंने कुछ सेटिंग्स की हैं। इसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या मेरा जो पेज है वो अब पब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमारा एरर जो है वो बिल्कुल सॉल्व आउट हो चुका है। इसके अलावा एक जो परमानेंट मेथड है, जो कि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और इसका सोल्यूशन है, वो ये है कि हम ऐड न्यू प्लगइन्स के अंदर जाएंगे। देखिए यहाँ पे अभी ये गुटनबर्ग एडिटर है, राइट। ऑन द अदर एंड अगर हम यहाँ पे आएँ और यहाँ से देखें, ये प्लगइन हमारे पास अवेलेबल है क्लासिक एडिटर, इसको अगर मैं इंस्टॉल कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आलमोस्ट सारे इश्यूज़ को फिक्स कर देगा। अगर इससे ये इश्यूज़ फिक्स ना हो, तो फिर जो मैंने मेथड्स अभी आपको परमालिंक्स के रेलेवेंट बताए हैं वो आप ट्राई करके देख सकते हैं और आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमने यहाँ पर अपना पेज सक्सेसफुली पब्लिश कर लिया है और जो इशूज़ थे उसको रिमूव कर लिया है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं यहाँ पे अपने लॉन के अंदर बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वजह से कुछ वॉइसेस आपको सुनाई दे रही होंगी, उनको इग्नोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।